कल की घटना क्या हुआ था आपके साथ? 10 तारीख की ये काम, मतलब 10 तारीख की बात है जी। हम आ रहे थे अपना काम करके और वो लड़का जा रहा था। अब हमें ये नहीं मालूम था कि वो मारने वाला है, तो वो हमारे साइड देख रहा था। तो मैंने बोला कि लड़का मेरे साइड देख क्यों रहा है। फिर उसने वो मुझे उतनी समय नहीं मारा, वो चला गया आगे। फिर उसने पता नहीं कब गाड़ी मोड़ के पीछे से मुझे मारा, तो फिर मैंने चिल्लाया। चोटी हुई थी आप? जी। और भी कितनी और महिलाओं को परेशान कर चुका है? 20-25 महिलाओं को। अच्छा, अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा उसे? जी नहीं। संजीवनी नगर क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं। यहाँ 15-20 दिन से एक युवक ने आतंक मचा के रखा हुआ है, महिलाओं को आगे पीछे और गलत तरीके से मारपीट करता है। उसके हाथ में भी कुछ कड़े या क्या पहना रहता है, तो बहुत ज़ोर से चोट लगती है। इसका आतंक इतना है कि 15-20 दिन से भाई यहाँ काम पे आने के लिए तैयार नहीं है। हम भी पूरी महिलाएँ, हम लोग भी बाहर निकलने में दहशत का माहौल है, तो हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या उम्र है, किस युवा है, अधेड़ है, कैसा? 22-23 साल का युवक है, स्कूटी में था, कैमरे में उसका वो आया हुआ है पिक्चर। 22-23 साल का युवक है। ठीक, क्या मांगते हैं पुलिस से, क्या मांग कर रहे हैं? हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग को इस दहशत भरे माहौल से मुक्ति मिल सके। एक मैटर आया हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, कि कोई एक युवक है जो किसी मोटरसाइकिल में अथवा एक्टिवा स्कूटर से आकर कुछ जो काम वाली बाइयाँ हैं उनको पीछे से हाथ मारता है और आगे बढ़ जाता है। और इसी के लिए हमारे द्वारा जो कॉलोनी के क्षेत्र है, जो उनके बताए हुए सस्पेक्ट स्थान है, उसमें अपने पुलिस फोर्स को लगाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे लगे हुए कैमरेज को तलाश करके चेक किया जा रहा है, और इस हेतु एक FIR भी हुई है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। CCTV में क्या तक नजर आया, कहीं देख पाया, क्या हुलिया है, क्या उम्र होगी लगभग? कुछ अभी इसी तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और कुछ एक वीडियो उनके द्वारा दिया गया हुआ है, जो इसमें ये बताया गया कि हाँ ये एक स्कूटर है, तो उसी स्कूटर को, जो एक्टिवा स्कूटर है, उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। जबलपुर का संजीव नगर इलाका इन दिनों एक सनकी अपराधी से कहीं ना कहीं त्रस्त है, जो आए दिन काम करने वाली जो बाइयाँ, जो अमूमन घरों पर आती हैं, उनको अपना शिकार बना रहा है। देख सकते हैं सड़कों में बाइयाँ अगर निकल रही हैं काम करने, तो उनके हाथ में ऐसा डंडा है। वजह है कि असुरक्षा का माहौल इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। उनसे ही हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या हो रहा है क्षेत्र में, आप लोगों के साथ क्या घटना हो रही है कि आपको डंडा लेके चलना पड़ रहा है? क्या करें भैया, गरीब आदमी काम करने निकले हैं, अब गली में रक्षा के लिए हमारे लिए कौन है? कोई नहीं है, हम ही बस हैं। अब कोई पीछे से बार कर दे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और क्यों मार रहा है ये तो मालूम नहीं है हमको। कब से परेशान है, कितनों को शिकार बना चुका है? अब ये तो नहीं पता हमको, अभी करीबन 15 दिन से बहुत ज्यादा अति हो गया है। आपको भी शिकार बनाया है उसने? अभी तक तो नहीं हुआ है अपना, लेकिन हाँ अपने साथ की लेडीजें हैं, उनको मार पड़ चुका है। क्या चाहते हो आप, गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो उसकी? जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उसको तो मौत की सजा दे दिया जाए, उसको बिल्कुल जिंदा ना छोड़ा जाए, उसको मौत का सजा मिलना चाहिए। देखिए आक्रोश इतना गहरा चुका है, तमाम जो यहाँ काम करने वाली महिलाएं आती हैं कि ये वो सख्त सजा की यहाँ मांग कर रही हैं, और बेशक एक असुरक्षा का माहौल पूरे क्षेत्र में है, सड़कें जो हैं वो लगभग यहाँ सूनी नजर आती हैं, तो समझ सकते हैं कि आखिर आतंक, ये जो सनकी युवक है, जो अपराधी है, वो किस तरह बरपाए हुए है।
कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर।